बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे ये सुनना काफी महत्वपूर्ण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। हर कोई ये जानने का इच्छुक है कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो बता दें आपको बड़ी खबर, आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले देखिए, कल ही देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ये नया कीर्तिमान, जो भारत ने पहला देश भारत ऐसा बना है जहां पर ये कीर्तिमान जिसको हासिल हुआ है, और उन देशों में भारत है। पीएम मोदी ने भी इसी को लेकर देश को बधाई दी। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और देखना होगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आज पीएम मोदी देश के सामने रखते हैं। और ट्वीट कर पीएमओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि आज देश को एक बार फिर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है इस संबोधन का, जब एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी की निगाहें आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर होगी कि आखिर आज किन मुद्दों को लेकर किस तरह से आज देश को संबोधित करते हैं। खास तौर से पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया और इस बात की जानकारी दी गई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। सभी की नजर इसी पर बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 10 बजे का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देखिए, क्योंकि कल 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया गया है, ऐसे में ये बहुत बड़ा लक्ष्य, और इसको लेकर भी जाहिर सी बात है ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये सुनना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब अचानक से प्रधानमंत्री आते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है कि वो 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। और जैसे ये बात क्योंकि पता चल रही है लोगों को, हर कोई ये जानने का इच्छुक है, दिलचस्पी दिखा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से, चाहे हम वैक्सीनेशन को लेकर बात कर ले या फिर हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जिसको लेकर बात की जा सकती है। बिल्कुल। और हितेन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हितेन, आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए ये संबोधन पे हर किसी की नजर होगी, क्योंकि कल ही देश ने जो इतिहास रचा, 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन जो है अब लग चुकी है। किस तरह से प्रधानमंत्री आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे, हेल्थ वर्कर्स के पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, उसके बाद आज उनका ये संबोधन बेहद खास हो जाता है। क्योंकि कल भी जब पीएम पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी भी ध्यान रखना जरूरी है, देश के कुछ हिस्सों में अभी भी जो है केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। वैक्सीनेशन 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना सबको कोरोना नहीं होगा, ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी, ये सब उस तरह की इन संबोधन में ये सब बातें देश के लोगों को याद दिलाए। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट खोल दी गई है, हर चीज देश में धीरे धीरे अब खुलता जा रहा है, लेकिन साउथ इंडिया का एक हिस्सा है वहां पर अभी भी लगातार जो है वो केस बढ़ते जा रहे, तो हो सकता है कि कोरोना को लेकर एक कुछ संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री का आज देश को फिर एक बार देखने मिले। हितेन बिल्कुल, देखिए क्योंकि 100 करोड़ डोजेस का लक्ष्य हासिल कर हिंदुस्तान ने कर लिया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन अब बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए बन गई है। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ आपको लगता है कि वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित कर सकते हैं? देखिए, पीएम की जिस पीएम जब भी इस तरह से ट्वीट करके बताते हैं कि वो देश को संबोधित करने वाले, तो सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है कि वो किन किन मुद्दों पर बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि वो चौंकाने वाले बयान ही जो है वो देते हैं। जब भी उन्होंने कहा है कि वो संबोधित करेंगे तो लोगों ने कई तरह की बातें कयास कर दी कि आज क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि नोटबंदी के बाद एक लोगों में एक थोड़ा अलर्टनेस हो जाता था। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है तब तब हमने देखा है कि
वो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आए हैं। ठीक है, दो दिन पहले ही इंश्योरेंस वाली स्कीम फिर एक बार बढ़ा दी गई थी, कल कैबिनेट में भी अप्रूव हो चुका है, हो सकता है उसे लेकर भी बोले, भारत सरकार के आने वाले तीन महीने के एजेंडा को लेकर भी संबोधित कर सकते हैं कि सरकार अब नया क्या करने जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का स्पीच है और उन्होंने खुद कहा है कि वो सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर ये जहां तक कयास लगाया जा सकता है वहां तक कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर और दुनिया ने जिस तरीके से इस भारत की सबसे बड़ी चुनौती को उपलब्धि अब मान लिया है उसे लेकर ही ये प्रधानमंत्री की स्पीच जो है वो हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है और 10 बजे का वक्त रखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे।